रसूल अल्लाह के कुछ अखलाक की बातें इस मौके पर की जाती हैं, बड़ी आम बात है। एक बुढ़िया ने कूड़ा डाला, आपने झाड़ दिया, उसने कलमा पढ़ लिया। ये इस सीरत में हमें बेशक के सीरत बहुत अजीम है, एक किरदार है, एक बशरी तकाजा है, वो अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत जाहिरी सुना सुना के हकीकत बातनी को छुपा दिया। जो जाहिर है बातिन नहीं है, मैं उस तरफ आना चाहता हूं। तो सीरत उसवा, बड़ी बहस है, ये सीरत है, ये उसवा है, कूड़ा डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब बातें सही है, इसमें वो नहीं है, लेकिन इन बातों ने बातनी कैफियत को रसूल अल्लाह की जो बातनी चीज थी उस पर पर्दा डाल दिया। आज वो वक्त है कि उससे पर्दे उठ रहे हैं हमारे लिए, लेकिन जो जानने वाले थे उनके लिए पर्दे उठे हुए थे, जो औलिया अल्लाह थे उनके लिए पर्दे उठे हुए थे, जो अल्लाह वाले थे उनके लिए हमेशा पर्दे उठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि पर्दे, हम अपनी बात कर रहे हैं। ऐसे तो जब रसूलुल्लाह मौजूद थे, जब भी उन लोगों के सामने पर्दे उठे हुए थे और वो कह देते हम कुछ नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि आपकी इताअत कर रहे हैं तो अल्लाह की कर रहे हैं, वो बहस नहीं करते थे। बूढ़े भी महफिल में होते थे, बच्चे भी महफिल में होते थे, जवान भी महफिल में होते थे, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअम्मर हजरात भी होते थे, खलीफा अव्वल जैसे लोग भी होते थे, खलीफा स्वयं जैसे लोग भी होते थे, होते तो सब थे उस महफिल में, तो सब थे। हजरत सलमान फारसी भी थे, हजरत अबू जर गफ्फारी भी थे, हजरत बिलाल भी थे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी थे। 1,25,000 सहाबा सुने में है उन बातों को, वही हमें बता रहे हैं। हम सहाबा इकराम के बगैर तो एक लम्हा नहीं चल सकते, अहले बैत के बगैर तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो हम तो ऐसे हैं। तो ये उसवा हमें हिलगा दिया गया, ये सीरत है रसूल की, वो सीरत है रसूल की, बेशक हैं, लेकिन असल सीरतें क्या हैं, असल उसवा क्या है, असल बातें क्या हैं, और उस सब की शहादत दे कौन रहा है? सहाबा इकराम। तुम नाम ले रहे हो, हम सहाबा इकराम के मानने वाले हैं। जब आका ऐलान कर रहे हैं, हर सहाबी महफिल में मौजूद है, हर सहाबी के कान खुले में हैं, आंख खुली हुई है, दिमाग खुला हुआ है, और क्यों ना हो, महफिल रसूल अल्लाह में है, भाई क्यों ना हो, महफिल रसूल अल्लाह में है, उनकी अकल खुली हुई, उनकी आंख खुली हुई, उनके दिमाग खुले हुए, उनकी जुबान खुली हुई। अगर जुबान खुली हुई ना होती हम तक कैसे पहुंचता? जब आका ये बता रहे हैं कि ये जो मेरे दो लाडले हैं, ये जो छोटे छोटे हैं, ये जो अभी जिनकी उम्रें कम देख रहे हो, ये उम्र में कम है, फजाइल में किसी से कम नहीं है, फजाइल में तुम सब काम करते हो, तुम जो अच्छे काम करोगे उसका अजर अल्लाह देगा, मेरी इताअत करोगे अल्लाह उसका अजर देगा, लेकिन अल्लाह ने हमारा और इनका इंतखाब अजर पे नहीं किया है, इताअत पे नहीं किया है। जिस तरह से वो आता रिसालत कर देता है, नबुवत कर देता है, इमामत कर देता है, विलायत कर देता है, उसी सूरत से वो तमाम फजाइल भी इनायत कर देता है। और इनकी फजीलत अल्लाह ने ये दी है कि ये भले ही छोटे हैं, लेकिन तुम सबके सरदार हैं, चूंकि तुम सब जन्नती हो और ये जन्नत के सरदार। उन्होंने तो एतराज नहीं किया। आज का ये दो पैसे का होना पोना एतराज करे? अरे पहले इल्म सीख, पहले इनको समझ, जाहिर बात मत कर, उसकी बातनी बात कर। अल्लाह तो कहता है कि इन अहले बैत के, इन पांच के करीब, कौन पांच? बेदम यही तो पांच है, मकसूदे का है ना, वही पांच, खुद रसूल अल्लाह, मौला अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन,
हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम सब पर अल्लाह का और हमारा और तमाम फरिश्तों का तमाम मोमिनों का सलाम। यही तो वो पांच जाते हैं, तो यही पांच जाते हैं। तो वो कह रहे हैं देखो इनसे कोई मुकाबला नहीं है, ये सब सरदार हैं, ये सब। अगर मुझे मौला मानते हो तो अली को मौला मानो, जब मुझे और अली को मौला मानो तो तमाम औरतों तो सुन लो, फिर तुम्हारी सबकी सरदार हजरत फातिमा है जन्नत में। और अगर इसको मान लोगे तभी तुम जन्नत में पहुंचोगे और तभी तो तुम उसकी सरदारी में जाओगे जिसे हसन और हुसैन। कौन कह रहा है? अगर हसन मियां कह रहे हो तो बिल्कुल मत मान। कोई भी मियां कह रहे हो, कितने बड़े मियां हो, इधर वाले हो, उधर वाले हो, इधर वाले हो, बड़े बड़े मियां हैं, बड़े बड़े मियां हैं, ये कह के चले गए, वो कह के चले गए। किसी मियां की मत मानो, किसी मौलवी किसी आलिम की मत मानो, लेकिन जब पता चल जाए कि वाकई ये कौले रसूल है और वाकई ये हमें हकीकतन सहाबा से मिला है, हकीकतन अहले बैत से मिला है, तो फिर उसको मानना नहीं है, उस पर अमल शुरू कर दो, फिर उस पर बहस मत करो, उस पर अमल शुरू कर दो। हसन मियां की मत मानो, अरे हजरत अबू बकर की तो मानो, हजरत उमर की तो मानो, हैं सहाबा हजरात की तो मानो। अब तुम जिस पे लानत होनी चाहिए उस पे तुम दुआएं पढ़वाओ तो तुम पे भी वही दुआएं जो उस पे दुआएं, और हम पे वो दुआएं जो सहाबा इकराम के साथ है। तो सीरते रसूल अल्लाह, उस्वे रसूल अल्लाह की मैं बात कर रहा था, और ये सब सीरतें मैंने बयान की, लेकिन कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी वहां चला गया, कभी यहां चला गया, अब वहीं पहुंचता हूं जहां पहुंचना चाहिए। ये तो मेरे वसीले थे, मुझे तो बारगाहे खुदावंदी में हाजिर होना है। किसके जरिए? वसीले रसूल अल्लाह के जरिए। तो वही अल्लाह कहता है, नूरी किताब में कहता है, खुद नूर है और नूर से ही कहलवा देता है और नूर के बारे में बताया देता है उसी कुरान में। क्या रसूल ये कल को ये ना कहें, कह दो कि मेरा रसूल जो मैंने भेजा है, भेजा तो सबको उसने, वली तो हम सब हैं, लेकिन जिसको वो वली कह दे वो है वली अल्लाह, वो है अली उन वली अल्लाह, तो जिसको वो कह दे वो है असल वली। हम अच्छा बताओ हम में से कौन दुश्मन है अल्लाह का? सब दोस्त हैं, तो वली तो हम भी हैं। अपनी तरफ से तो हमारा दावा है अल्लाह, हम भी वली हैं। करा करो ये दावा, और जब ये दावा करोगे और उस पर अमल करोगे तो अल्लाह किसी को भी विलायत दे देता है। बटी खैरात पंजतन के सत्य में, ये खैरात है पंजतन की।